और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और आज 26 जून 2021 के लिए परमेश्वर का जो जीवित वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसके 5 अध्याय और उसके 8 पद के अंदर। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 8 पद को इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं कि देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इस बात को समझना है हमको, स्पिरिट सोल एंड बॉडी। हालेलुया, जब हम पढ़ते हैं थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 23 पद में, तो वहां पर भी लिखा है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी देह और तुम्हारा प्राण। तो जब हम इन 3 चीजों से जो है हम बनाए गए हैं, परमेश्वर ने जो है आदम को मिट्टी से बनाया, उसकी बॉडी को बनाया, उसे अपनी समानता पे बनाया, यानी उसको एक सोल परमेश्वर ने दी, यानी उसको उसको फीलिंग होती है, उसको इमोशंस होते हैं, वो उसके पास एक विल है, वो चुनाव कर सकता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और परमेश्वर ने उसके नथनों में अपने जीवन के सांस को फूका, यानी आत्मा को परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, लिखा है आत्मा परमेश्वर की ओर से मिलता है और परमेश्वर के पास वापस लौट जाता है। तो ये स्पिरिट सोल और बॉडी, ये 3 चीज है। जब हम इस बात को देखते हैं कि वहां पर लिखा है और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं, सो हमें इस बात को समझना है दैट वी आर द स्पिरिट, we have a soul and we lives in a body। hallelujah, यानी हम एक आत्मिक प्राणी है। वचन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, जो वचन मेरे और आपके लिए कहता है और वही हमारा विश्वास है, वही हमारे विश्वास का आधार है, उसी के ऊपर हमें विश्वास करना है, उसी का अंगीकार करना है और उसी के अनुसार हमको चलना है। तो वचन बताता है कि हम एक आत्मिक प्राणी है। hallelujah, वचन बताता है कि प्रभु ने जो है हमें एक सोल को दिया है, हमारे अंदर भावनाओं को डाला है, हम हमारे को परमेश्वर ने चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है कि हम चुन सकते हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालेलुया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पर। तो ये हमारा चुनाव है कि हम विश्वास करना चाहते हैं या हम जो है विश्वास नहीं करना चाहते, हम नष्ट होना चाहते हैं हम या बचना चाहते हैं, ये हमारा खुद का निर्णय है। परमेश्वर ने हमको कोई रोबोट नहीं बनाया है कि उसने हमसे सिर्फ यस ही कहलवाना है। परमेश्वर यस और नो की स्वतंत्रता परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। वो हमें बुद्धि देता है, वो हमें ज्ञान देता है, हमें समझ है, हमें पता है, वो सोल परमेश्वर ने हमको दी है, वो समझ बुद्धि परमेश्वर ने हमको दी है कि हमें पता है जब कोई गलत कर रहा है तब भी उसको पता है कि वो गलत कर रहा है। हमारे जीवन में हम जानते हैं अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कर रहे हैं, हालेलुया, तो हम परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। हालेलुया, हाँ, हम जो है इस बात में जागरूक हो जाएं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, हम जान पूछ कर गलती जो है वो ना करते रहे मेरे प्रियो। हालेलुया, और परमेश्वर ने साथ ही साथ हमें आत्मा को दिया है। आत्मा के बारे में आज हमें सचेत होने की जरूरत है। हम एक आत्मिक प्राणी है, हमें एक एक मन दिया गया है। हालेलुया, और हम जो है एक शरीर के अंदर जो है वो रहते हैं। बॉडी इज अ हाउस वेयर द स्पिरिट लिव्स। आत्मा जहां रहती है ना वो उसका घर है। हालेलुया, ऐसे मान लीजिए जैसे आप हैं और आपका एक घर है, तो घर ज्यादा जरूरी है या आप ज्यादा जरूरी है? लेकिन आजकल जो है लोग घर का ध्यान ज्यादा रख रहे हैं, यानी बॉडी का ध्यान वो ज्यादा रख रहे हैं,
बॉडी को अच्छे से सजा रहे हैं, घर को अच्छे से सजा रहे हैं, लड़ियां लगा रहे हैं, अच्छी पेंट करा रहे हैं, अच्छे दरवाजे लगा रहे हैं, अच्छा सोफा ला रहे हैं, अच्छी टेबल ला रहे हैं, अच्छा एलईडी ला रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, शरीर को सजा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, नेल पॉलिश लगा रहे हैं और फैशन कर रहे हैं, बाल के हेयर स्टाइल करा रहे हैं, कोई स्ट्रेट करा रहा है, कोई कर्ली करा रहा है, तरह तरह के जो है घर को सजाने की कोशिश की जा रही है, यानी इस बॉडी को सजाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जो व्यक्ति घर के अंदर रहता है, हालेलुया, जो व्यक्ति घर के अंदर रहता है यानी जो आत्मा उस शरीर के अंदर रह रही है, उस जो उस घर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, अगर अगर वो आत्मा उसके अंदर ना रहे, उस घर के अंदर ना रहे, जब आत्मा निकल जाती है, जब इंसान सांस लेना बंद कर देता है, तो क्या है फिर? वो मिट्टी है, मिट्टी से बनाए और मिट्टी में मिल जाएगा। वो सिर्फ मिट्टी है। उसकी वैल्यू, उस घर की वैल्यू तब तक ही है जब तक वो आत्मा उस शरीर के अंदर रह रही है, तब तक उस शरीर की वैल्यू है। जब तक कोई इंसान किसी घर के अंदर रह रहा है तब तक उस घर की वैल्यू है, नहीं तो एक घर खाली पड़ा रहे तो फिर वो किसी भी यूज का नहीं है। वहां जाले ही लगते हैं, वहां मकड़ियां जाले ही बनाती हैं। जब घर खाली होता है वहाँ वहाँ धूल मिट्टी ही रहती है, वहाँ जब कोई नहीं रहता तो उसकी कोई वैल्यू जो है वहाँ पर नहीं होती है, मेरे प्रियो। हालेलुया। इसी प्रकार हमारा शरीर जो है वो हमारी आत्मा का घर है। हालेलुया। अवर बॉडी इज अ हाउस ऑफ अवर स्पिरिट। इसलिए हमको स्पिरिट कॉन्शियस बनना है। हम आत्मिक प्राणी हैं और हमारी जो आत्मा इस शरीर के अंदर जो रह रही है वो टेम्पररी है, और उसका परमानेंट हाउस तो वो है जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए तैयार कर स्वर्ग में रखा हुआ है। हालेलुया। और हम उस टेम्पररी हाउस को मेंटेन करने में, मेकअप करने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और हम उस वो परमानेंट हाउस जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने तैयार कर दिया है वहां जाने के लिए अपनी स्पिरिट को, अपने आप को हम तैयार नहीं करते हैं। तो जरा सोचिए कि क्या हो रहा है, क्या है और क्या करने की जरूरत है। हालेलुया। जरा दिमाग पर जोर डालकर देखिए कि आज हमें अपनी आत्मा को कितना तैयार करने की जरूरत है, ताकि वो आत्मिक घर जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, जब हम आत्मिक प्राणी और हमारा वो परमानेंट हाउस है जहां हमें जाना है, क्या हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरे प्रियो। इसलिए आत्मा के प्रति हम जागरूक हो जाएं, आत्मा में उन्नति करें, आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मिक वचन को पढ़ें, आत्मिक संगति करें, हालेलुया, आत्मिक क्रियाओं को करें, आत्मा की अगुवाई में चलें और आत्मिक बातों में हम आगे बढ़ें, हालेलुया, आत्मा के फल हमारे अंदर नजर आए, आत्मिक वरदान हमारे अंदर बहें, आत्मिक 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 आत्मा में सारी चीजें हों। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। तो आप यहां पर लिखा है कि मेरे प्रियो, हमें जो है यहां पर पौलुस जो है वो रिजरेक्शन के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में जो है वो यहां पर सिखा रहा है। इसलिए हम उस पुनरुत्थान के भागी होने के लिए तैयार हो जाएं और अपनी आत्मा को तैयार करें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें हियाव उसके सामने लज्जित होना ना पड़े, वो हमें आत्मा में तैयार पाए, आत्मा में जागरूक पाए, हमारे मशालों को जलता हुआ और कुप्पियों को तेल से भरा हुआ पाए। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। तो मैं ये सवाल आपसे आज पूछना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इस स्पिरिचुअल एक्सरसाइज को कर रहे हैं, किस प्रकार हम अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर सकते हैं, उस आत्मिक जागृति में क्या क्या बातें आती हैं। जरूर कुछ बातों को कमेंट कर कोशिश कर आप इस वीडियो के नीचे बताएं। परमेश्वर आपको जरूर बहुत आशीष देंगे स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के करने के द्वारा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।